ये तो सब जानते हैं कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म को जल्दी से जल्दी शूट करके रिलीज करने के लिए तैयार कर देते हैं, लेकिन बात करें अक्षय कुमार की तीन फिल्मों की तो वो तीनों ही तारीखों के फेर में उलझी हुई नजर आई। हालिया रिलीज हुई फिल्म पैडमैन तो आप जानते ही हैं, पद्मावत के कारण अक्षय ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा ली और उनकी आने वाली फिल्म 2.0 की रिलीज डेट तो कब से बढ़ती हुई आ रही है। अब तो उसका रिलीज होना लगभग अप्रैल में तय था, लेकिन वो भी अब वहाँ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अक्षय की एकमात्र फिक्स मूवी थी 15 अगस्त को आने वाली गोल्ड, अब वो भी थोड़े बहुत सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अक्षय कुमार से मिलेंगी और उन्हें गोल्ड को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगी, क्योंकि कंगना रनौत भी एक फिल्म लेकर आ रही है जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा इस बार अक्षय कुमार तारीखों के फेर में उलझते हैं या नहीं और दरिया दिली दिखाकर फिल्म को रिलीज होने देते हैं या नहीं। खैर, गोल्ड मूवी तो 15 अगस्त को ही रिलीज होनी चाहिए क्योंकि देशभक्ति की थीम तो तभी काम आएगी। देखना दिलचस्प होगा इस तारीखों के फेर में अक्षय कब तक उलझे रहेंगे। और भी खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो।